नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखो, पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे, हमारा MCQ वाला टॉपिक है ये, जिसमें हमने MCQ सोल्व करे हैं 25। टोटल 25 MCQ जो है हम जनरल कैरेक्टर ऑफ एलगी के ऊपर सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन और बचे हमारे पास इस टॉपिक के। तो जैसा कि मैंने कहा था आपको, ये आपके RPSC UPSC का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और वहाँ पर साइंस का एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आएगा RPSC की आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। ठीक है, इसके अलावा RPSC में जितनी भी वैकेंसीज आ रही है, जिसमें बॉटनी को प्रीफर किया गया है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा नीट के लिए तो बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि नीट के सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो नीट हो गया आपका, RPSC हो गया। इसके अलावा पैरामेडिकल में ले लीजिए, आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पर भी ये प्रश्न आएंगे आपके, है ना। इसके अलावा आप अगर नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो नर्सिंग में भी आपके ये प्रश्न आए, और आप अगर MSc सेमेस्टर फर्स्ट का ये कर रहे हो तो यहाँ पर भी ये काम किए। इसके अलावा जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम है, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ये हमने लास्ट आपको बताया था कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखो, यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला क्वेश्चन है द मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल इन एलगी आर नॉन एज। जो मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल होती है, सेल कौन सी है, मोटाइल है और कैसी है, रिप्रोडक्टिव है, तो उस सेल को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर हम बात करें तो स्पोर जो होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर मोटाइल स्पोर, सॉरी नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। तो स्पोर क्या है, एक गोलाकार संरचना है, और इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं एप्लेनो स्पोर। क्या बोलते हैं ऐसे स्पोर को, एप्लेनो स्पोर। ठीक है, तो ये स्पोर की बात होगी। जायगोट, जायगोट जो बनता है वो दो एन सेल के आपस में मिक्स होने से, यानी कि इनके फर्टिलाइजेशन से एक टू एन सेल बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जायगोट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, गैमेट, गैमेट क्या होते हैं, देखो गैमेट जो होते हैं वो आपके हैप्लोइड हैप्लोइड सेल होते हैं। ठीक है ना, हैप्लोइड सेल होते हैं। अब जो गैमेट होते हैं, बहुत सारे गैमेट ऐसे होते हैं, जैसे कि आप बात करें कि मेल गैमेट, तो मेल गैमेट मोटाइल होता है, डेफिनेटली मोटाइल होता है मेल गैमेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गैमेट दिया गया, अब गैमेट तो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। मेल जो होता है ना, हैप्लोइड सेल है, तो मेल जो गैमेट होता है, और एक होता है फीमेल गैमेट, दो तरह के गैमेट होते हैं। तो फीमेल यहाँ पर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है जी, नॉन मोटाइल, और मेल क्या होता है, मोटाइल। ठीक है, यहाँ ये समझ में आता है आपको, मेल क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। अब ध्यान समझना इस बात को। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर गैमेट दिया हुआ है, तो गैमेट तो मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, तो इसमें तो एक मोटाइल भी हो गया, एक नॉन मोटाइल भी हो गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आई बात। अब बच गया जूस्पोर, जो मेल गैमेट मोटाइल होते हैं उन्हें कहा जाता है जूस्पोर। जूस्पोर का मतलब होता है मेल गैमेट है, और इस गैमेट के पीछे कोई फ्लैजिला अवेलेबल होगा, एक फ्लैजिला भी हो सकता है, दो फ्लैजिला भी हो सकते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, जूस्पोर। समझ में आ गए, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जू स्पोर कहेंगे। तो ये मोटाइल भी हो सकते हैं, ये जू स्पोर हमेशा मोटाइल रहेंगे, जू स्पोर क्या रहेंगे, मोटाइल, जू स्पोर रहेंगे मोटाइल, हमेशा मोटाइल रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जबकि फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गी आर ऑफन यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। देखो, शैवालों का इस्तेमाल जो है ज़्यादातर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है, क्यों किया जाता है, बिकॉज से क्यों किया जाता है, एलगी जो है ज़्यादातर यूज किया जाता है किसमें, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, तो क्यों किया जाता है। तो यहाँ से देखें हम, फिल्टर वाटर, क्या ये वाटर को फिल्टर करती है, नहीं करती। कंट्रोल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को नहीं मारती, तो बैक्टीरिया को भी कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन ट्रीटमेंट नहीं करती है ना, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ट्रीटमेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन का कितना ही प्रोडक्शन हो जाए, क्या वो ट्रीटमेंट है, नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बस क्या, क्या एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट, क्या करती है ये, जो
पोल्यूटेंट होते हैं उसके अंदर, मतलब जो प्रदूषक होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर के लिए प्रदूषक का कार्य करते हैं, उनको ये क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर आ जाए 28। अगार यूज इन माइक्रोबायोलॉजी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो अगार जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी में यूज किया जाता है। एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। और एक ये वाला जो पीछे क्वेश्चन आया था ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर देखो आप, एल्गी जो है वो क्या है, अगार के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसे किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब वो कौन सी शैवाल है जिससे अगार मतलब अगार को निकाला जाता है। कुल मिलाकर हमें पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दे रखा है हमें ग्रीन एल्गी, एक रेड एल्गी, एक ब्राउन एल्गी और एक ब्लू ग्रीन एल्गी, चार ऑप्शन है आपके पास में। वो कौन सा शैवाल है जिससे अगार अगार प्राप्त किया जाता है, अगार बोल दो या अगर अगर बोल दो, क्या बोलते हैं, अगर अगर भी बोलते हैं। ठीक है, अगर अगर भी बोलते हैं इसको, तो ये इनमें से कौन से एल्गी के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास में आएंगे ग्रीन, रेड, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है इसको अगार को एक्सट्रैक्ट करने वाला जो एल्गी है वो कौन सा है, रेड एल्गी। कौन सा एल्गी है, रेड एल्गी, लाल शैवाल। कौन सा एल्गी है, रेड एल्गी, इससे ये प्राप्त किया जाता है, रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है ये। ठीक है, चलिए 28 हो गया, 29, 29 बह जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिसेलुलर एल्गी, निम्न में से कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी, मतलब एक कोशिकीय एल्गी है। देखो मैंने अभी पिछली बार आपको क्वेश्चन बताया था, है ना, तो पिछला वाला जो वीडियो था उसमें ये क्वेश्चन था, मतलब ऑप्शन में था, आंसर तो अलग है, यहाँ ऑप्शन में था। तो क्या था, देखो स्पायरोगायरा, मैंने क्या कहा आपसे, फिलामेंटस होता है, और फिलामेंटस कैसा होता है, फिलामेंटस होता है और फ्लैजिलेटेड होता है, मतलब कि बड़ा सा होता है। ठीक है, दूसरा हमने कहा यहाँ पर ये क्लोरेला, तो ये क्लोरेला क्या है, सिंगल सेलुलर है, ये एक कोशिकीय होता है, सिंगल सेलुलर होता है, और ये जो सिंगल सेलुलर होता है इसे केवल एक सेल होती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। लेमिनेरिया भी जो है लार्ज सेवाल है, बड़ा सेवाल होता है। ठीक है, और फ्यूकस भी थोड़ा बड़ा सेवाल है, यानी कि मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है और ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी मल्टी हो गया, ये फिलामेंटस है तो ये भी क्या है, मल्टी सेलुलर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सही आंसर हो जाएगा हमारे पास क्लोरेला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरेला। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ थोड़ा सा चेंज करके देख लेते अपन, क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल जो होता है ये आपका क्या है जी, सिंगल सेलुलर एल्गी है, यूनि सेलुलर, सिंगल सेलुलर को क्या बोलते हैं, यूनि सेलुलर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। चलिए देखो, द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी टिपिकली इन्वॉल्व जनरेशन, मतलब कि जो एल्गी का जो लाइफ साइकिल होता है, एल्गी का जो जीवन चक्र होता है, उसमें जनरली ये पूछना चाह रहे हैं कि लाइफ साइकिल जो है एल्गी का, उसमें कौन सी अवस्था सामान्य रूप से इन्वॉल्व होती है, कहने का मतलब ये। ठीक है, मतलब क्या उसमें सारी अवस्थाएं आती है, या क्या एक सिंगल अवस्था आती है, जैसे हमारे पास में है सिंगल अवस्थाएं आती है हमारे, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही देख, लाइफ साइकिल जीवन चक्र में, एल्गी के जीवन चक्र में कौन सी जनरेशन इन्वॉल्व होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है क्या ये होता है, ओनली हैप्लोइड फेज, क्या हैप्लोइड फेज ही होती है, ओनली डिप्लोइड फेज, क्या यही होती है, या नो जनरेशन चेंज, या जनरेशन चेंज नहीं होती। तो अब देखो ध्यान समझना, जो हमारे शैवाल होते हैं उसमें हैप्लोइड फेज भी होती है और डिप्लोइड फेज भी होती है, दोनों ही फेज होती है। ठीक है, हैप्लोइड फेज भी होती है और डिप्लोइड फेज भी होती है, कैसे होती है बता देता हूँ मैं आपको। ये गेमिटोफाइटिक प्लांट है, किसका, एल्गी का मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या है कि गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट। ठीक है, सिंपल बात कर रहे हैं अपन। ठीक, अब ये जो गेमिटोफाइट है, ये गेमिटोफाइट मेल होगा एक, और एक होगा फीमेल, अब मान लेते हैं एक पर ही है, मेल और फीमेल। ठीक है, इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से बना जायगोट, क्या बन गया, जायगोट। ये जायगोट से बन गया आपका पुस्पोर, क्या बन गया, पुस्पोर।
स्पोर का हुआ जर्मिनेशन, और जर्मिनेशन होने से यहाँ पर बन गया ये स्पोरोफाइट। क्या बन गया ये? स्पोरोफाइट, ठीक है। या जर्मिनेशन हो गया मान लेते हैं, बट जर्मिनेशन हो गया। अब इस जर्मिनेशन वाली जो स्ट्रक्चर है, जायगोट हुआ, वो स्पोर बना, वो स्पोर जर्मिनेट हो गया। जर्मिनेट हो गया तो जर्मिनेट होने के बाद में ये बनाएगा क्या? स्पोर। और ये स्पोर ग्रो होंगे और ये बनाएंगे आपका क्या? गैमेटोफाइट। यस, लाइफ साइकिल चलता है। अब यहाँ देखो आप, इसके यहाँ देखोगे आप तो ये मेल गैमेट बनाया, तो ये गैमेटोफाइट जो है या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से एक होगा, या दोनों भी हो सकता है एक के ऊपर, ठीक है। तो ये है एन, गैमेटोफाइट क्या है? एन है, ठीक है। अब ये एन हो गया, जायगोट पे क्या हुआ? जायगोट, सॉरी ये ले लेते हैं, जायगोट जो है, जायगोट क्या होगा? टू एन होगा, क्योंकि ये एन है और ये एन है, दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बन गया? टू एन बन गया, ठीक है। स्पोर भी क्या होगा? टू एन होगा, और ये भी टू एन होगा, तो स्पोर भी आपका क्या होगा? टू एन होगा, ठीक है। स्पोर बना, स्पोर ने, सॉरी स्पोर यहाँ पर रहेगा एन, क्योंकि यहाँ पर जर्मिनेशन के समय इसके अंदर जब स्पोर बनाया जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जाएगा? मियोसिस किया जाएगा, क्या किया जाएगा? मियोसिस, ठीक है। मियोसिस करने से बनेंगे स्पोर, स्पोर होंगे हेप्लॉइड एन प्रकार के, और फिर ये एन गैमेट को ही क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। ये देखो आप, इधर वाली अवस्थाएं हम देखेंगे तो एन टाइप की है, मतलब हेप्लोइड स्टेज है। इधर वाली देखेंगे तो कैसी है? डिप्लोइड स्टेज है। समझ में आ गई बात? तो एक तरफ तो हेप्लोइड स्टेज है, एक तरफ कौन सी स्टेज है? डिप्लोइड स्टेज है, क्लियर? तो इस वजह से क्या होगा? इसको हम कहेंगे हेप्लोइड फेज और इसको कहेंगे डिप्लोइड फेज। तो इसका मतलब है दोनों तरह की फेज यहाँ पर पाई जाती है, और इस तरह की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें हैप्लोइड भी हो और डिप्लोइड भी हो, क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। देखो, द एल्गी वॉल्वॉक्स फॉर्म्स कॉलोनीज, कौन सी कॉलोनी फॉर्म करता है? एल्गी वॉल्वॉक्स जो है, वॉल्वॉक्स के अंदर किस तरह की कॉलोनी जो है वो बनती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्वॉक्स के अंदर किस तरह की कॉलोनी जो है वो बनती है। तो वॉल्वॉक्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो कॉलोनी होती है वो इस तरह की होती है, गोलाकार कॉलोनीज, गोलाकार कॉलोनीज बनती है इस तरह से, ठीक है। वॉल्वॉक्स के अंदर कैसी बनती है? गोलाकार, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है वॉल्वॉक्स की कॉलोनी की। बना दिया मैंने, कुछ थोड़ी थोड़ी सी बना देता हूँ। इस तरह की कॉलोनी बनती है जिसमें बहुत सारी सेल्स जो होती है वो फंक्शन करती हैं एक साथ जुड़कर। सब सेल है जो मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ये सब सेल है वॉलवॉक्स की। इस तरह से कॉलोनी बनती है वॉलवॉक्स की। तो कैसी होती है ये पूछ रहा है कि आपसे? इस सॉलिटरी होती है, सॉलिटरी मतलब एकल होता है, सॉलिटरी का मतलब क्या है? एकल होता है। क्या फिलामेंटस होता है? स्फेरिकल होती है या ब्रास्ट होती है? तो किस तरह की कॉलोनी होती है? जैसा कि डायग्राम दिखा रहा है हमें कि ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, गोलाकार, कैसी होती है? गोलाकार कॉलोनी जो है ये बनाता है, ठीक है। आगे बात समझ में? कोई सवाल यहाँ तक में? अगर आपका है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। विच पिगमेंट गिव ब्राउन एल्गी देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर? कौन सा पिगमेंट है जो भूरा रंग देता है शैवालों को? तो कौन सा कलर है जो भूरा रंग प्रदान करता है किसको? शैवाल को, ठीक है। तो यहाँ पर है क्लोरोफिल बी, फाइकोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन और फाइको इरिथ्रिन। अब देखना आप, है ना, भूरा रंग चाहिए हमें। कौन सा रंग चाहिए भाई? भूरा। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, भूरा रंग कब आएगा? जब फ्यूकोजेंथिन होगा। क्या होगा? फ्यूकोजेंथिन। देखो ये क्लोरोफिल बी है, ये बी आ जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है? हरा। साइनिन आ जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है? नीला, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना। इरिथ्रिन आ जाता है तो कौन सा रंग बन जाता है? लाल। ये देखो, अब कौन सा बच गया इसमें से? अगर इस तरह से भी आपको याद रहा तो आसानी से आप रंग को निकाल लेंगे, कौन सा कलर बनेगा। तो कलर वाला सवाल आ ही जाता है, तो लगा देंगे हम यहाँ पर भी क्या? इम्पोर्टेंट, ठीक है। चले आगे। देखो, द स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बताया था मैंने,
सबसे इम्पोर्टेंट फाइकोलॉजी कहलाता है ना। फाइकोलॉजी देखो, माइकोलॉजी कहलाती है कवक का अध्ययन, कवक का अध्ययन, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी कहलाता है स्टडी ऑफ ब्रायोलॉजी, मतलब ब्रायोफाइट, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। ठीक है जी, और माइक्रोबायोलॉजी क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आंसर क्या हो गया हमारा? हमारा आंसर हो गया फाइकोलॉजी। ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, फाइकोलॉजी कहा जाता है किसको? स्टडी ऑफ एलगी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए, नंबर 33 आएगा, 4 पर। ग्रीन एलगी स्टोर देयर फूड एज। अब देखो, ग्रीन हरे शैवाल जो होते हैं अपना फूड किस फॉर्म में बन रखते हैं? तो हरे शैवाल जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में, अभी आया था हमारे पास, हरे शैवाल किसके रूप में रखेंगे? स्टार्च के रूप में। अब जब हम फूड पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे आपको कि कौन सा शैवाल जो होता है, हरा कौन सा स्टोर करके रखता है, रेड कौन सा स्टोर करके रखता है, ब्राउन किस तरह का जो है स्टोर करके रखता है, ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह का जो है फूड स्टोर करके रखता है। ये हम बात करेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, फूड के अंदर, स्टोरेज के अंदर, इसके थैलस के स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको सही तरीके से, मतलब और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानकारी देंगे, कौन सा शैवाल कौन सा फूड जो है अपने साथ में रखता है। ठीक है, तो आ जाओ, तो ये हो गया हमारा, अभी तो फिलहाल इतना याद रखो आप, स्टार्च यहाँ पर आंसर है हमारा। चलिए, द यूनिक फ्लेजिलर अरेंजमेंट इन सम एल्गी इज कॉल्ड। देखो, इसमें फ्लेजिला के अंदर जो है किस तरह का अरेंजमेंट होता है एल्गी के अंदर, देखो यूनिक फ्लेजिलर है ना, मतलब ऐसा फ्लेजिला जो इसमें पाया जाता है, इसमें शैवालों में ज़्यादातर पाया जाता है, किस तरह का फ्लेजिला पाया जाता है पहले समझ लेते हैं अपन, है ना। देखो यहाँ नीचे से चलते हैं, सीलियरी फ्लेजिला क्या होता है? सीलियरी फ्लेजिला क्या होता है? जिस ये फ्लेजिला है और इसके ऊपर छोटे छोटे से रोम नुमा स्ट्रक्चर पाए जाए, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? सीलियरी फ्लेजिला बोलते हैं। ठीक है, सीलियरी फ्लेजिला हो गया। ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया क्या होता है? या ये फ्लेजिला नहीं है, स्यूडोपोडिया फ्लेजिला नहीं, स्यूडोपोडिया जो है अमीबा के अंदर बनते हैं, इस तरह से कूटपाद जिनको बोला जाता है, ये होता है कूटपाद। विप्लेस ओनली, विप्लेस का मतलब क्या होता है? देखो, जो शैवाल होते हैं, शैवालों के अंदर मतलब एल्गी के अंदर जो फ्लेजिला होते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक फ्लेजिला इस तरह का, एक फ्लेजिला इस तरह से। तो इस तरह से क्या, एक फ्लेजिला ऐसा होगा जिसके ऊपर इस तरह से तंतुनुमा या रोमनुमा संरचना पाई जाएगी। ठीक है, ये दोनों तरफ भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इस तरह से रोमनुमा, और एक रहेगा बिल्कुल स्मूथ, एक कैसा है स्मूथ है, एक के ऊपर ऐसे रोमनुमा संरचना पाई जा रही है फ्लेजिला के अंदर। ये पाए जाते हैं एंथ्रोजोइड्स के पास में, है ना, एंथ्रोजोइड भी हो सकता है, शैवाल भी हो सकता है, दोनों के ऊपर पाई जाती है इस तरह की चीज़। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कहानी समझने की कोशिश करनी है आपको थोड़ा सा। देखो ये वाला जो फ्लेजिला होता है ना, इस तरह का फ्लेजिला दिख रहा है कि मेरा मैं लिखा, ठीक है, थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, इसको ब्राइट कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं। इस वाले फ्लेजिला को जिसके ऊपर कोई किसी प्रकार की स्ट्रक्चर नहीं है, उसे बोला जाता है विप्लेश। क्या बोला जाता है? विप्लेश। समझ में आ गया आपको? क्या बोला जाता है? विप्लेश। और जिसके ऊपर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है उसे बोला जाता है टिनसेल। क्या बोला जाता है? टिनसेल। आगे बात समझ में, टिनसेल वो फ्लेजिला होते हैं झाड़ू जैसे, मतलब कैसे लग रहा है? झाड़ू जैसा लग रहा है ना, तो याद रख जाएगा आपको, झाड़ू जैसा, झाड़ू जैसा तो क्या कहलाता है? टिनसेल कहलाता है ना, झाड़ू जैसा फ्लेजिला क्या कहलाता है? टिनसेल फ्लेजिला कहलाता है। और विप्लेस, विप्लेस का मतलब होता है चिकना, चाबुक जैसा, चिकना या चाबुक जैसा, चिकना या चाबुक जैसा फ्लेजिला। ठीक है, चिकना या चाबुक जैसा फ्लेजिला जो होता है वो कहलाता है आपका विप्लेस, और ये कहलाता है आपका टिनसेल। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो
जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि शैवाल में दोनों ही तरह के पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, टिनसेल और विप्लेश, दोनों ही प्रकार के फ्लेजिला जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। विप्लेश ओनली नहीं, टिनसेल भी पाया जाता है, सुडोपोडिया पाई नहीं जाती, सीलिए नहीं होता। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, शैवाल में पाए जाने वाले फ्लेजिला के। देखो फ्लेजिला वाला टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें भी अलग अलग तरह के फ्लेजिला पाए जाते हैं शैवालों के अंदर, तो उनकी बात हम सवाल जब पढ़ेंगे ढंग से, मतलब बहुत डिटेल में जब आपको बताएंगे, तो इसका अलग से टॉपिक रहेगा ना, हर एक चीज़ का अलग टॉपिक है। अभी यहाँ पर कॉमन आ रहा है, सबका अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, सबके 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। मेजोरिटी ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, आ गया प्रश्न। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, धरती के ऊपर। तो धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है किसके द्वारा, एल्गी के द्वारा। ना तो फॉरेस्ट करता है, ना फ्लावरिंग प्लांट करते हैं, ना फंजाई, फंजाई तो करता ही नहीं है, ये तो करता ही नहीं है। ठीक है, पहला नंबर है एल्गी का, दूसरा नंबर हमारे फॉरेस्ट है, और तीसरे नंबर पे हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है ना, जंगलों में ज़्यादा होती है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किस तरह से होता है वो इसमें शो हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ये हो गया 36 नंबर, भाई 37 नंबर। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी इज, ब्राउन एल्गी का कॉमन एग्जाम्पल क्या है, कॉमन एग्जाम्पल मतलब सामान्य रूप से ब्राउन एल्गी इसमें आती है वो कौन है, इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। तो देखो एक ऑप्शन है अपने पास में, लेमिनेरिया है, दूसरा अल्वा है, तीसरा आपका स्पाइरोगायरा है, और चौथा आपका क्लेमाइडोमोनास है। तो इनमें से कौन सा शैवाल है जो हमें ब्राउन एल्गी, मतलब जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है हमारे पास में लेमिनेरिया, क्या है एग्जाम्पल, लेमिनेरिया, ध्यान रख लेना। ब्राउन एल्गी में कौन आएगा आपका, लेमिनेरिया आएगा। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि लेमिनेरिया बस इतना ही याद रख लो आप। ठीक है, लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी आ जाए, लेमिनेरिया याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी लेके फ्लेजिलम एट एनी स्टेज ऑफ इट्स लाइफ, वो कौन सी अवस्था है जिसमें कोई फ्लेजिला नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, इनमें से कौन सी एल्गी जो होती है जीवन की किसी भी अवस्था में, जीवन की किसी न किसी अवस्था में वो क्या होती है, बिना फ्लेजिला के होती है, इनमें से वो कौन सी एल्गी है। ठीक है, तो वो देखो यूग्लिना के पास तो फ्लेजिला पाया ही जाता है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास के पास भी होता है, ग्रीन एल्गी के पास भी बहुत सारे ग्रीन एल्गी जिनके पास फ्लेजिला है, तो वो कौन सी एल्गी हो गई आपकी, रेड एल्गी। कौन सी एल्गी हो गई जी, रेड एल्गी, लाल शैवाल। ठीक है, किसी स्टेज पर यहाँ पर फ्लेजिला नहीं पाए जाते, मतलब कि आप कह सकते हो लाल शैवाल में जो फ्लेजिला होता है, फ्लेजिला वो एबसेंट होता है, फ्लेजिला क्या होता है, एबसेंट होता है, ध्यान रखना, लाल शैवालों में, रेड एल्गी में एबसेंट होता है। एल्गी कैन रिप्रोड्यूस बाय, एल्गी जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा रिप्रोड्यूस होती है, एल्गी का में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाइनरी फ्यूजन तो होता ही है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है, स्पोर का फॉर्मेशन भी होता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया आपका, ऑल ऑफ द अबोव, ये आंसर हो गया, सिंपल है तो। ठीक है, बिल्कुल कर दोगे आप, सामान्य क्वेश्चन है। देखो बाइनरी फ्यूजन सब में होता है, जितने भी शैवाल है सबके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, दूसरी बात जो फ्रेगमेंटेशन है वो भी सभी में होता है, जितने भी शैवाल, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है ये, रिप्रोडक्शन का, कौन से रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है, कौन सा आपका, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर बनेंगे, जब शैवाल लैंगिक जनन करेगा यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो फ्लैजिला सॉरी स्पोर जो है उसका फॉर्मेशन भी होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब चलते हैं आगे अपन, नंबर 40, द थेलस ऑफ एल्गी रेफर टू, जो एल्गी का थेलस होता है उसे क्या कहते हैं, वो इट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नहीं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट तो थेलस होता ही नहीं है, सीधी सी बात है, तो ये तो खत्म करो आप। इट वेजिटेटिव बॉडी, बिल्कुल ये सही हो सकता है, वेजिटेटिव बॉडी हो सकती है। इट रूट सिस्टम, नहीं रूट सिस्टम होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आगे आपके क्या, गैमेटेंजिया, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में क्या आएंगे, गैमेटेंजिया, यहाँ पर अगर होता गैमेटेंजिया तभी एक ही बात है, गैमेटेंजिया। ठीक है ना, जननांग जिनके ऊपर गैमेट्स लगते हैं तो वो होता है। तो थेलस किसको बोलते हैं अपन, थेलस हम बोलते हैं वेजिटेटिव बॉडी ऑफ एल्गी।
वेजिटेटिव बॉडी ऑफ एल्गी, एल्गी की वेजिटेटिव बॉडी को बोला जाता है थैलस। चलिए, एल्गी दैट फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई आर नोन एज, ऐसा शैवाल जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है फंजाई के साथ में उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पर फंजाई प्लस एल्गी क्या कहलाता है। ठीक है, और सिम्बायोटिकली ये रहते हैं, दोनों को फायदा होता है, फंजाई को भी फायदा होगा और एल्गी को भी क्या होगा, फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। तो ऐसी संरचना जिसमें एल्गी भी हो फंजाई भी हो क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो नीचे से चलते हैं, जू स्पोर तो कह नहीं सकते अपन, है ना, जू स्पोर कहेंगे नहीं। जू स्पोर क्या होता है, जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, चाहे वो शैवाल भी हो सकता है, वो फंजाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पैरासाइटिक एल्गी, ये पैरासाइट होता है तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं कर सकता। पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट जिस प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसका पूरा फूड अपना ले लेता है, इसका मतलब है कि वो सक्सेसफुल कहानी नहीं है। ठीक है, तो पैरासाइटिक ये भी नहीं रहेगा। लाइकेन, लाइकेन बिल्कुल सही है, लाइकेन आंसर इसका सही है। लाइकेन फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, लाइकेन, ये ध्यान रखना, फंजाई और एल्गी सबसे पहले दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं लाइकेन, तो उसको बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन में फंजाई भी होता है और एल्गी यानी कि शैवाल भी होता है। माइकोराइजिया क्या बोलते हैं, माइकोराइजिया में होता है आपका फंजाई प्लस हायर प्लांट, फंजाई प्लस हायर प्लांट, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है माइकोराइजा। ठीक है ना, फंजाई प्लस हायर प्लांट का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है आपका माइकोराइजा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। तो अभी हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 41। अभी तक की कोई समस्या हो तो बता सकते हो आप मुझे, नहीं है, चले आगे। चलो 42, द प्रोसेस बाई विच एल्गी प्रोड्यूस एनर्जी यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड, बताओ। कितना सिंपल क्वेश्चन, कि ऐसा प्रोसेस जिसमें जिसके द्वारा सेवाल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं किसका उपयोग करके, सनलाइट का उपयोग करके, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, देखो उसे कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस, क्या कहा जाएगा, फोटोसिंथेसिस। ये हमारा आंसर हो गया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। रेस्पिरेशन का मतलब तो क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन, ठीक है ना, श्वसन करना, तो सांस लेता है, तो इसमें सनलाइट की जरूरत नहीं होती, तो इसमें जरूरत होती है किसकी, ऑक्सीजन की। फर्मेंटेशन, इसमें ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना सनलाइट की जरूरत होती है, दोनों ही नहीं चाहिए, ना सनलाइट चाहिए ना ऑक्सीजन चाहिए। फर्मेंटेशन डार्क में होता है और ये फर्मेंटेशन होता है किसके अंदर, फंजाई के अंदर, फंजाई फर्मेंटेशन करती है ना कि एल्गी। ठीक है, कीमोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस मतलब होता है रसायन संश्लेषण, तो रसायन संश्लेषण ज़्यादातर कौन करते हैं, बैक्टीरिया करते हैं, तो ये आंसर अगर वो आएगा तो बैक्टीरिया के लिए आएगा। ठीक है, तो हमारा तो जो सवाल है वो क्या करता है आपका, सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। 43, एल्गी कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर, एल्गी को हम किस तरह से क्लासिफाइड कर सकते हैं, किसके आधार पर हम एल्गी को क्लासिफाइड जो है वो कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं एल्गी को क्लासिफिकेशन करने के लिए, बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के आधार पर भी हम करते हैं, ग्रीन एल्गी ब्लू एल्गी कर रहे हैं ना। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के आधार पर भी कर रहे हैं, हैप्लोइड एल्गी डिप्लोइड एल्गी। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के आधार पर भी करेंगे, उसके अंदर फूड कौन सा है, स्टार्च फूड स्टार्च के रूप में करता है, लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में करता है, ठीक है, लिपिड के रूप में करता है, किसके रूप में स्टोर करता है, ये सब आएंगे। तो यहाँ पर सारे ही हैं हमारे, क्लासिफिकेशन का जो आधार है वो सब कुछ है। ये हो गया 43। 44 में आ जाओ, इन एल्गी गैमिट्स आर प्रोड्यूस्ड इन, एल्गी के अंदर गैमिट जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं। देखो एल्गी के अंदर जो गैमिट होते हैं ना वो गैमेटेंजिया के अंदर बनते हैं, इसके अंदर बनते हैं गैमेटेंजिया के अंदर, और गैमेटेंजिया के अंदर जो गैमेट बनते हैं, जैसे गैमेटेंजिया होते हैं दो, एक मेल गैमेटेंजिया और एक फीमेल गैमेटेंजिया। ठीक है, तो फीमेल गैमेटेंजिया के अंदर बनेगा एग, और मेल गैमेटेंजिया के अंदर बनेगा क्या, स्पर्म। मेल गैमेटेंजिया के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। ठीक है, स्पर्म, इस स्पर्म वाली स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, जू स्पोरिन, जू स्पोर, क्या बोलते हैं, जू स्पोर, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म को, जू स्पोर। अब ये जू स्पोर जिसके अंदर बन रहा है उसे क्या बोलेंगे अपन, जू स्पोरेंजिया, क्या बोलेंगे, जू स्पोरेंजिया। अब चूंकि अगर हम ब्रायोफाइट की तरफ चले, एल्गी से ब्रायोफाइट की तरफ,
तो वहां पर इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडिया। जो स्पोरेंजिया को ही क्या बोल देते हैं, एंथ्रीडिया। और जो फीमेल होता है जिसमें एग बन रहा है उसको हम ब्रायोफाइट में बोलते हैं आर्किगोनिया। तो ये दोनों टर्म तो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, ज़्यादातर ब्रायोफाइट के लिए इस्तेमाल की जाती है। बच गई दो टर्म, गेमेटेंजिया और जूस्पोर। तो यहाँ पर गेमेटेंजिया के अंदर ही बनेंगे गेमिट, मेल और फीमेल गेमिट। तो गेमिट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, गेमेटेंजिया के अंदर, किसके अंदर होता है, गेमेटेंजिया के अंदर। जू स्पोरेंजिया के अंदर तो केवल जू स्पोर बनते हैं, ठीक है। यहाँ हमसे पूछा गया है गेमिटेंज गेमिट, अगर वो पूछता ना जू स्पोर किसके अंदर बनते हैं, तो जू स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। बिल्कुल सिंपल हम कर देते हैं बात, है ना, ये बात हमें समझ में आ जाती है तुरंत, ठीक है जी। चलिए नंबर आ जाओ, नंबर 45। 45 में क्या है, देखो, द रिप्रोडक्टिव साइकिल दैट अल्टरनेट बिटवीन हैप्लोइड एंड डिप्लोइड स्टेज इज कॉल्ड। अब बताओ, ये देखो ऐसा रिप्रोडक्टिव साइकिल जिसमें अल्टरनेट अल्टरनेट रूप से हैप्लोइड और डिप्लोइड स्टेज जो है वो आती है, हैप्लोइड भी आती है और डिप्लोइड स्टेज भी आती है, उसे क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, कहानी कही है मैंने, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में ये सेल होती है, ये सेल दो भागों में टूट जाती है, मतलब दो भाग बनाती है, दो दो से कितनी बनाती है, चार, चार से कितनी बनाएगी, आठ। ये एक थी, दो हो गई, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32। ये होता है बाइनरी, बाइनरी डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन होता जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, जैसे ये सेल है, ये सेल कहीं से टूट जाए और टूट कर दोनों ही सेल नए जीव का निर्माण कर ले, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, क्या होता है जी, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो ये पूछा गया है कि हैप्लोइड और डिप्लोइड स्टेज किस चक्र में आती है, अल्टरनेशन अल्टरनेटिव रूप से किस में आती है, तो किस में आती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नाम की जो फेज है उसके अंदर आती है, मतलब ऐसी फेज को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता दीजिए, क्योंकि तो हमारे लगभग क्वेश्चन जो है वो खत्म होने वाले हैं, कितने हो गए हमारे, 45 हो गए, है ना, कितने हो गए 45। चलिए 46 पे आ जाओ, 46 पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कॉमनली अकर बाय द फॉर्मेशन ऑफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसकी वजह से बन होता है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें से किस वजह से होता है। तो देखो जायगोट जब बनता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तभी जायगोट बनता है। एग जो बनेगा, एग और स्पर्म ये दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, और इस फर्टिलाइजेशन को ही हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग है, स्पर्म है, दोनों आपस में मिक्स होंगे तो इस तरीके को कहा जाएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन जो है वो किया जाता है केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी के अंदर ये काम किया जाता है, तो उससे बनता है जायगोट, ठीक, बात समझ में आ गए। अभी हमसे पूछा गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी कॉमनली अकर बाय द फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब होगा जू स्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे, जू स्पोर बनेंगे, ठीक है। इसकी इससे होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना बहुत, ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्योंकि कन्फ्यूज कर देता है आपको, कन्फ्यूज कर देता है, जगह जगह पर आएगा ये जू स्पोर तो कन्फ्यूज करेगा आपको, ध्यान रखना है ना। 47, द कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू द पिगमेंट। अब देखो रेड रेड एल्गी में जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल हरा रंग देगा, है ना, जो फ्यूकोजेंथिन है ये भूरा रंग देगा आपको, कैरोटीनॉइड जो है लाल रंग देगा, लेकिन हल्का लाल देगा, लाल नारंगी, लाल के साथ साथ कौन सा रंग देता है, ये नारंगी भी देता है। और हमसे पूछा गया है कि कलर ऑफ रेड, बिल्कुल रेड कलर कौन देगा, फाइको इरिथ्रिन, ये देगा बिल्कुल लाल, कौन सा देगा, लाल रंग, रेड रेड कलर देगा, प्योर रेड, या ऑरेंज, ये रेड ऑरेंज कलर देता है, रेड ऑरेंज कलर, ठीक है, और ये देता है ब्राउन कलर, और ये देता है ग्रीन कलर। तो आंसर क्या हो गया आपका, फाइको इरिथ्रिन, क्या हो गया आंसर, फाइको इरिथ्रिन, ठीक है। 47 हो गया, 48 आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर एल्गी, निम्न में से कौन सा जो है वो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाने वाला शैवाल है। अब देखो फ्रेश वाटर की बात है, क्योंकि ये बात किसकी है, फ्रेश वाटर की, तो कौन कौन से शैवाल है जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, तो
तो एक तो है सार्गेसम, तो सार्गेसम समुद्री शैवाल है, ये भी किसमें पाया जाता है, सी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दूसरा आ गया आपका स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा जो होता है ये कहीं भी पाया जा सकता है, यानी कि ये पाया जाता है आपका फ्रेश वाटर में, यानी कि मीठे जल में। अच्छा सी वाटर जो होता है वो कैसा होता है, सेलाइन वाटर होता है, सी के अंदर कैसा वाटर होता है, सेलाइन, ठीक है। और ये होता है आपका फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी जो हम पीते हैं, नदी का, नाले का, पोखर का, कुंड का, तालाब का, ये सब फ्रेश वाटर में आते हैं ना। समुद्री पानी जो होता है वो सेलाइन वाटर होता है। तो ये स्पायरोगायरा जो होता है ना ये फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। तो फिलहाल तो हमारा आंसर ये लेमिनेरिया, ये भी सी में पाया जाता है, ठीक है। सेलाइन वाटर होता है फ्यूकस, ये भी सी के अंदर ही पाया जाता है, और यहाँ पर भी कौन सा वाटर होता है, सेलाइन वाटर होता है। तो सही आंसर हो गया हमारा क्या, स्पायरोगायरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा सार्गेसम जो है, सार्गेसम क्या आ जाता है, सार्गेसम कहाँ पाया जाता है, सार्गेसम कहाँ पाया जाता है, सार्गेसम पाया जाता है आपका समुद्र के अंदर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट नंबर 59, तो 49 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू मेराइन लाइफ, उनमें से कौन सा शैवाल है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो जलीय जो जंतु होते हैं, समुद्री जो जंतु होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। निम्न में से कौन सा शैवाल है जो हार्मफुल टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मफुल टॉक्सिन जो होता है वो समुद्री जलीय जो जीव होते हैं उनके लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इनमें से कौन सा शैवाल है वो, तो देखो इसमें से जो शैवाल है ना वो बहुत खतरनाक होता है। देखो क्लेमाइडोमोनास तो है नहीं, सीधी सी बात है ना, क्लेमाइडोमोनास तो ग्रीन एल्गी है, तो अच्छा अच्छा वाला एल्गी है। क्लोरेला को हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी खाते हैं, तो छोटे जीव जंतु भी खाते होंगे, मतलब इससे बड़े वाले। अलवा जो होता है ये भी पौधे के रूप में होता है, वहां पर फैला तो रहता है हालांकि, लेकिन किसी प्रकार के टॉक्सिन, कम टॉक्सिन स्रावित करता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिन स्रावित करता है आपका डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है ना। बाढ़ आ जाती है, लाल रंग का शैवाल, मतलब बताया थोड़ी देर पहले आपको, बहुत ज्यादा बाढ़ ला देता है ये बिल्कुल पूरा समुद्र को छा जाता है। नीचे वाले लोगों के लिए ऑक्सीजन बचती नहीं है, उनके लिए सनलाइट नहीं पहुंचती और मर जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टॉक्सिन भी, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है इनकी, अरबों खरबों की संख्या में पैदा होते हैं एक ही दिन में। आज प्रोडक्शन होगा ना तो खरब की संख्या में प्रोडक्शन करेंगे, पूरे समुद्र को घेर लेंगे चारों तरफ से। तो उस समय जब हर सेल अगर मान लीजिए माइन्यूट अमाउंट भी अगर टॉक्सिन सीक्रेट करती है ना, तो खरबों की संख्या में कितना सारा टॉक्सिन सीक्रेट हो जाता है, तो जलीय जीव जंतुओं को क्या कर देता है, मार देता है। इसलिए डायनोफ्लेजिलेट जो है ये खराब है, ठीक है। टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिन सीक्रेट करते हैं, हार्मफुल टॉक्सिन मेराइन जो प्लांट होते हैं उनके लिए। समझ में आ गया बात, चलिए। लार्जेस्ट एल्गी कॉमनली कॉल्ड सीवीड, जो बड़े शैवाल होते हैं बहुत बड़े बड़े, उनको कहा जाता है सीवीड, ठीक है। किस ग्रुप में रखे गए हैं, इनमें से किस ग्रुप के अंदर ये रखे गए, तो हमें पता है रेड एल्गी नहीं है, रेड एल्गी तो छोटे छोटे, ग्रीन एल्गी ये भी हरे शैवाल है हम देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ही छोटे, तो बच गया क्या, ब्राउन एल्गी। यहाँ पर देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, लार्जेस्ट लार्जेस्ट एल्गी है ना, तो ये ब्राउन एल्गी जो है ये सीवीड्स कहलाते हैं, बहुत बड़े बड़े से होते हैं, और इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लंबे लंबे होते हैं, मतलब शैवाल तो होते हैं लेकिन काफ़ी बड़े होते हैं। तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न जो है पूरे आपके लिए कंप्लीट हमने कर दिए हैं, 50 प्रश्न। प्रश्न तो बहुत सारे और भी कर सकते हैं, अब 100 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं, 1000 कर। अब ये पूरा सिलेबस होते होते, कंप्लीट सिलेबस होते होते ये मान के चलिए कम से कम 20 से 25 हज़ार प्रश्न जो है वो आप कर पाओ। अब देखो अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हो, प्रश्नों को याद रख लेते हो। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ बताना भूल गया आप लोगों को, वो चीज़ क्या है कि अब ये जो 50 क्वेश्चन हो गए ना, इन 50 क्वेश्चन की आंसर सहित PDF आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के साथ में आपको, जब भी मैं अपलोड करूंगा इसको, तो जब अपलोड करूंगा तो अपलोड के समय ही आपको ऐप के ऊपर ये PDF अवेलेबल मिलेगा, इसका 50 क्वेश्चन का ना, फर्स्ट वीडियो के साथ भी मिलेगा, सेकंड वीडियो के साथ भी मिलेगा, 50 क्वेश्चन का PDF। ये पूरी जो PDF हम बना रहे हैं, एक अलग से PDF बना रहे हैं इसकी, जैसे जैसे टॉपिक पूरे होते जाएंगे हम क्वेश्चन उसके अंदर जोड़ते हुए जा रहे हैं। केवल MCQ, ओनली MCQ, बहुत जल्दी जो है इसकी MSc प्री बोटनी सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर है आपका, ये MCQ ओनली, एल्गी फंजाई और ब्रायोफाइट के टॉपिक वाइज MCQ की एक बुकलेट जल्दी ही हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है।
बुकलेट की कीमत जो है, अगर आप प्रिंट मटेरियल लेते हो तो थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, 300 से 400 रुपये। लेकिन अगर आप प्रिंट में नहीं लेते हो और अगर आप उसको केवल पीडीएफ में लेते हो तो उसकी कीमत रखी हमने केवल 29 रुपीज़। ठीक है, कितने रुपीज़? 29 रुपीज़। जैसे ही हमारे पास आएगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि उसमें कंटेंट कितना है। 29 से कम भी हो सकता है और थोड़ा सा 49 तक भी जा सकता है। 50 रुपये से ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे हम, है ना। 50 रुपये से ज़्यादा आपकी कीमत नहीं रखेंगे इसकी, क्योंकि जिस चीज़ की कीमत होती है ना उसी की ही वैल्यू होती है। ये मैंने देखा है यहाँ पर, जिस चीज़ की कीमत है उसकी वैल्यू है, जिस चीज़ की कीमत नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज़ अगर फ्री में मिलेगी आप नहीं पढ़ोगे, मुझे पता है नहीं पढ़ोगे, लेकिन अगर आप 50 रुपये खर्च करोगे ना तो उस चीज़ को पढ़ोगे और वो आप गेन करोगे। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी का नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में है उसके साथ आपके साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू मच, और पढ़ते रहिए।